हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 8। 7 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे JCM इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थक्वेक्स आर जनरली एसोसिएटेड विद। अर्थक्वेक्स जनरली किसके साथ एसोसिएटेड हैं? जॉइंट्स, फॉल्ट्स, फोल्ड्स या फिर स्किस्टोसिटी के साथ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉल्स। अर्थक्वेक्स आर जनरली एसोसिएटेड विद फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस कंट्री से पास नहीं होती है? ऑप्शंस है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश एंड चाइना। तो टॉपिक ऑफ कैंसर हमारी म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, इन तीनों से पास होती है, नेपाल से पास नहीं होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट्स ऑफ सैंड फाउंड बाई विंड एक्शन आर कॉल्ड। जो सैंड की पहाड़ियाँ बनती हैं विंड के एक्शन से, उनको क्या कहते हैं? क्लिफ्स, सर्क्यूस, डोन्स या फिर हमादास? तो उनको बोला जाता है डोन्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज हाई इन। डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो हाई होता है कौन से जोन में, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का रेट हाई होता है? ट्रॉपिकल जोन, डेजर्ट एरियाज, टेम्परेट जोन या फिर बोरियल फॉरेस्ट? तो टेम्परेट जोन में रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हाई होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस ग्लेशियर्स मेल्टिंग इज अ कॉमन फिनोमिना लिंक्ड टू द राइज इन सी वाटर लेवल। आइस ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ही हमारा जो सी वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, राइट? तो ग्लेशियर्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, हिमालयस में या फिर आर्कटिक में? तो हमारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं अंटार्कटिका में, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेसेस। मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है एक प्लेस पे, उसको हम क्या कहते हैं? एजिमुथ, डिप, डिक्लाइनेशन या फिर लैटिट्यूड? तो उसको बोला जाता है डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक फॉर्म्ड इन अ कट ऑफ रिवर मीएंडियर इज कॉल्ड। लेक जो कि कट ऑफ रिवर में बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है? पलाया लेक, मिच्योरिक लेक, ऑक्सबो लेक या फिर क्रेटर लेक? तो ऐसी लेक को बोला जाता है ऑक्सबो लेक, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोस टू। सैंडस्टोन जो है उसको मेटामॉर्फिज्म के बाद क्या चीज़ बनती है? शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट या मार्बल? तो सैंडस्टोन को मेटामॉर्फिज्म के बाद बनता है क्वार्ट्जाइट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेन्स और फाउंडेन। मोरेन्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं? रिवर डेल्टास में, एरिड रीजन्स में, ग्लेशियल रीजन्स में या फिर मानसून रीजन में? तो मोरेन्स आर फाउंड इन ग्लेशियल रीजन्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालयन माउंटेन रेंज किसकी एग्जाम्पल है? वॉल्केनिक माउंटेन की, रेजिड्यूल माउंटेन की, ब्लॉक माउंटेन की या फोल्ड माउंटेन की? तो हिमालयन माउंटेन रेंज एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन की, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सीटू इज नोन एज। रॉक की जो ब्रेकिंग होती है उसको हम किस फिनोमेना से जानते हैं? इरोजन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग या फिर डिग्रेडेशन? तो उसको जाना जाता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं वेदरिंग, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनियस इग्नियस रॉक। प्लूटोनियस इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? बसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट? तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज। वॉल्केनो के जो कप शेप्ड माउथ बनता है उसको क्या बोला जाता है? फोकस, एपिसेंटर, क्रेटर या सेंडर कोन? तो कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो को बोला जाता है क्रेटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेग्नेंट वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक इज कॉल्ड। लेक के बॉटम पे जो खड़ा पानी होता है, स्टेग्नेंट मतलब एक ही जगह पे रहता है, वो हिलता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिलिमनियन, मेसोलिमनियन, मेटालिमनियन या फिर हाइपोलिमनियन? तो उसको बोला जाता है हाइपोलिमनियन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशरूम रॉक की जो फॉर्मेशन होती है डेजर्ट रीजन में वो किसकी एग्जाम्पल है? डिफ्लेशन की, एट्रिशन की, एब्रेजन की या फिर इरोजन की? तो ये एग्जाम्पल है एब्रेजन की, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है? ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, बसाल्ट या फिर आर्कोस? तो इनमें से आर्कोस जो है हमारी वो सेडिमेंट्री रॉक है, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक एक्शन इज अ टाइप ऑफ इरोजन कॉज बाय। हाइड्रोलिक एक्शन
टाइप है इस इरोजन की, जो कि किसकी वजह से होता है, रनिंग वाटर से, विंड से, ग्लेशियर से, या फिर नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोलिक एक्शन से टाइप ऑफ इरोजन कॉज बाय रनिंग वाटर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा। इनमें से सबसे न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा कौन सा है, परमियन, ट्राइजिक, क्रिटेशियस, या फिर जुरैसिक। तो न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा इज क्रिटेशियस, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग। इनमें से ऑड आइटम कौन सी है, बसाल्ट, रूबी, एमेराल्ड, या फिर सैफायर। तो रूबी, एमेराल्ड और सैफायर ये एक टाइप है, बसाल्ट अलग टाइप है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे ऑड आइटम इनमें से। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। JCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।